दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं शिवानी कोटनाला और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाए आपके शहर की हर खबर आप तक। एक और कोरोना का कहर देश भर में चिंता की स्थिति को लिए सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने भरकस प्रयास करते हुए लगातार चर्चा में बनी हुई है। नवंबर के शुरुआती दिनों से ही कोरोना को लेकर सरकार की चिंता बढ़ने लग गई थी, जिसके चलते पहले दिल्ली सरकार द्वारा पटाखा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी गई थी। सरकार के 3-5 वाले रवैये ने यह स्थिति साफ ही नहीं होने दी कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे जैसे बैन करने वाले कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिसके चलते अचानक हुआ पटाखा बैन से व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं हालिया मुद्दा जन आस्था से जुड़ा पर्व छठ पर लगी पाबंदियों का रहा। हवाला दिया गया कि कोरोना के कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए छठ घर में ही रहकर मनाई जाए। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि सारे नियम कानून आम जनमानस तक ही क्यों सीमित रह जाते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क नहीं पहना तो आम जनता को ही बेकारी की इस स्थिति में 2000 तक की चपत लगवानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना को रोकने में आम जनमानस की भूमिका नहीं, लेकिन क्यों सारे कायदे कानून सिर्फ आम जनमानस तक ही सीमित रह जाते हैं? जब राजनीतिक पार्टियों की बारी आती है तो यही नियम कानून डढ़ल्ले से टूटते नजर आते हैं। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि क्यों नियम कानून की मियाद सिर्फ आम जनता तक? क्या देश को कोरोना मुक्त बनाने जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? क्या राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आम जनता को नियम कानून का पाठ पढ़ाने से पहले खुद सख्ती से उनका पालन करें? इस मुद्दे पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर बताएं, क्योंकि मुद्दा अगर जनता से जुड़ा है तो जनता की भागीदारी और जवाबदेही का भी महत्व बढ़ जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।